मनोरंजन हम लोग का बंद हो जाएगा। फिर नाव करना पड़ेगा, हम लोग बड़ा पे नाव से जाना पड़ता है दस्ता देके हम लोग को। हर एक साल कोई ऐसा साल नहीं जिस साल के बाढ़ आया हो और यहाँ पर ना कटा हो। पहले तो जो भी गांव में डूबे हुए हैं उनको सही सुरक्षित जगह पे ले जाएं, उनको खाना पीना कपड़ा लत्ता जो भी मुहैया कराना हो वो करवा दें। घर में पानी है और रोड पे चलने में दिक्कत होता है हम लोग को। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के सबौर प्रखंड के घोसपुर NH 80 पर और आप ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सड़क पर NH 80 जो भागलपुर को कहलगांव और पीरपैती से जोड़ता है वह NH 80 पूरी तरह उस पर गंगा का पानी चढ़ चुका है और लगातार सड़क का कटाव जारी है। यूँ तो प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है, बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर छोटी गाड़ियों से बाइक से अपना यात्रा कर रहे हैं क्योंकि यह भागलपुर को एक बड़ी आबादी जो पीरपैती और सबौर की है उसको जोड़ने वाला यह मुख्य सड़क है। लेकिन लगातार यहाँ पर कटाव जारी होने के कारण NH 80 पर पानी चढ़ चुका है, गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण आप देख सकते हैं कि NH 80 सबौर के घोसपुर के पास पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और काफ़ी तेजी से यहाँ कटाव जारी है। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की परेशानी हो रही है। परेशानी तो हम लोग को बहुत सर अधिक हो रही है अभी तक ये कटाव कारण, और कटने के बाद तो और मतलब परेशानी है। ये तो थोड़ा चल फिर रहे ना, एक दो दिन के अंदर में ही कटने के बाद आना जाना हम लोग का बंद हो जाएगा। फिर नाव करना पड़ेगा, हम लोग भाड़ा पे नाव से जाना पड़ता है दस्ता देके हम लोग को। अभी तो फिलहाल अभी चल रहा है, चल रहा चलने दीजिए, अभी तो आज नहीं कल कट ही जाएगा वो। हमने तो आप जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि उसको मरम्मत कर दिया जाए, और क्या, उसको मरम्मत कर दिया जाए कम से कम ना, कि हम लोग का आने जाने में कोई तकलीफ हम लोग को नहीं हो, ताकि हम लोग मार्केट कर सके, सबौर जा सके, भागलपुर जा सके। इतना मेरा नाम संजय यादव है। मरम्मत कर दिया जाए, मरम्मत तो 1.5 महीना पहले भी हुआ था, देखिए ना मरम्मत कैसा हुआ। यहाँ से आप चले जाइए एग्रीकल्चर कॉलेज तक, जहाँ तक प्रोफेसर सब आएंगे वहाँ तक रोड सही रहेगा, उसके माँ से बाहर रोड जो है तो एकदम टफ। ये बाढ़ की ही स्थिति ऐसी है, देख लीजिए आप, बाढ़ में ऐसा हाल है, बाढ़ चला जाएगा, रिपेयरिंग करेगा करके 1 महीना बाद रोड खराब। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है कि ऐसा यहाँ पर बना दे सुविधा के लोगों को हमेशा के लिए आवागमन ठप न हो, इसका बहुत परेशानी होती है यहाँ पर आने जाने। हर एक साल कोई ऐसा साल नहीं जिस साल के बाढ़ आया हो और यहाँ पर ना कटा हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अत्तार हुआ। यहाँ का हर साल का यही गति है, यही नतीजा है कि हर साल रोड कट जाता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मेरा गांव खनकिता है लेकिन यहाँ घोसपुर इंग्लिश फरका का जो भी आदमी है उनको इतना कष्ट होता है आने जाने में, क्योंकि हम लोग को तो उधर पड़ता है लेकिन इन लोग को ऑलरेडी इसी रास्ता से आना जाना है। क्या चाहते हैं मुखिया जी? हम लोग यही चाहते हैं सर कि सरकार कुछ ऐसा करे, पहले तो जो भी गाँव में डूबे हुए हैं उनको सही सुरक्षित जगह पर ले जाएँ, उनको खाना पीना कपड़ा लत्ता जो भी मुहैया कराना हो वो करवा दें और इसको मरम्मती करावें ऐसा कि हर साल इस कष्ट से निवारण हो जाए। इसमें बहुत परेशानी होता है, जब हम सब सुबह निकलते हैं ना तो गाड़ी के धूल और मिट्टी से इतना भर जाते हैं कि अभी क्या परेशानी, अभी परेशानी है कि घर में पानी है और रोड पे चलने में दिक्कत होता है हम लोग को। क्या चाहते हो प्रशासन से? यही चाहते हैं कि रोड अच्छा बने, और कभी भी नहीं बनता है रोड अच्छा, कितना बार बोल चुके हैं इस सब में। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ आरोप है कि यह जो घोसपुर का इलाका है ये प्रत्येक वर्ष बाढ़ के दिनों में गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद यहाँ NH 80 पर पानी फैल जाता है, जिससे के कारण आवाजाही को बंद कर दिया जाता है। अभी भी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ब्रेकेटिंग लगाकर बड़ी वाहनों को का परिचालन रोक लगा दिया है, लेकिन जिस तरह से हर एक साल यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो जिनकी समस्या है कि इनको एक बड़ी आबादी को आवाजाही बाढ़ के दिनों में पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, उस पर जिला प्रशासन एक्शन ले और इन सबों की समस्या को दूर करने का प्रयास करे। अपने सहयोगी सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज़ भागलपुर।